हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा विकास की गति को तेज करने के मद्देनजर एक नई योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत पंचायत प्रतिनिधियों और प्रशासन के बीच विकास कार्यों के लिए समन्वय स्थापित करना ही उद्देश्य रखा गया है। इस कड़ी में प्रशासन और पंचायत प्रतिनिधियों के बीच प्रदेश भर के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिसमें पंच परमेश्वर का नाम रखा गया है। इसी प्रयास में ऊना में भी सदर ऊना और हरोली विधानसभा क्षेत्र में इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों की अध्यक्षता पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने की, जबकि वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती और प्रदेश भाजपा प्रवक्ता राम कुमार भी इन कार्यक्रमों में उपस्थित रहे। इसमें संबंधित विभागों के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पंचायत प्रतिनिधियों के रूप में संबंधित विधानसभा क्षेत्र के सभी ग्राम पंचायतों के प्रधान, उप प्रधान, पंचायत सदस्य, बीडीसी सदस्य, जिला परिषदों ने भाग लिया। पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने इस पर कहा कि इस तरह के आयोजन का मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच समन्वय बिठाना है और इससे बेहतर तालमेल और समन्वय से संबंधित क्षेत्र के विकास को भी गति मिलती है। इस मौके पर उन्होंने नए बीडीओ ब्लॉक भवन का शिलान्यास भी किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये तय हुआ है, हर ब्लॉक स्तर के ऊपर हम जाकर के पंच परमेश्वर सम्मेलन करेंगे, जिसमें जो नई पंचायतें, नए लोग, पंचायत प्रतिनिधि जो चुन करके आए हैं, उनको पंचायत में क्या काम चल रहे हैं, हमारी क्या क्या योजनाएं हैं, और साथ में हम कैसे जो है वो अपने गांव की जो है वो प्लानिंग कर सकते हैं, और विभिन्न विभागों की योजनाओं के चुने हुए के नाते जो है हमें तो जानकारी देनी चाहिए। यद्यपि हमने चुनाव होने के तुरंत बाद अपने हर पंचायत प्रधान को और चुने हुए प्रतिनिधि को जो है वो ट्रेनिंग का कार्यक्रम जो है शुरू किया है, और अधिकांश पंचायतों का ये कार्यक्रम जो है कवर भी हुआ है, लेकिन फिर भी एक व्यापक स्तर पर जानकारी और उनके साथ डायलॉग करना, ये जो है वो हमारी प्राथमिकता है, इस करके आज सम्मेलन आया गया है। और दूसरा, इस अवसर पर अपना हमारे ब्लॉक का जो है वो सुंदर भवन है, जो करीब 4,80,00,000 रुपये की लागत से बनी है, जिसमें विभिन्न विभागों को भी जो साथ में जो हमारे कई डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी जो है वो सारी सुविधाएँ जाएंगी। यद्यपि यहाँ पर मिनी सेक्रेटरीट भी बन रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि ग्राम पंचायतें महत्वपूर्ण हैं और इनकी जो है वो ज़्यादा लोगों को जो है वो एक अच्छा भवन जो है यहाँ पर उपलब्ध होना चाहिए, इस करके हम जो है वो ब्लॉक की बिल्डिंग जो है बना रहे हैं। कार्यक्रम के उद्देश्य को परिभाषित करते हुए वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने 15वें वित्त आयोग के तहत ऊना सदर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत में जनसंख्या के हिसाब से बजट दिए जाने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस बजट के अंतर्गत कई पंचायतों को 5 करोड़ तक की राशि उपलब्ध करवाई गई है। सत्ती ने दावा किया कि इस प्रकार के आयोजनों से पंचायत प्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच बेहतर तालमेल बनेगा और विकास को भी गति प्रदान की जाएगी। ऊना विधानसभा क्षेत्र में अनेकों विकास के काम चले हुए हैं, उसी कड़ी में आज ऊना विधानसभा जो ब्लॉक है उसका बीडीओ ऑफिस का आज शिलान्यास है, भूमि पूजन है। मंत्री वीरेंद्र कंवर जी, पंचायत मंत्री यहां पर आ रहे हैं। लगभग 8 करोड़ पैसे जो बीडीओ ऑफिस बन करके तैयार होगा, और उसके साथ साथ हम लोगों ने पंच परमेश्वर सम्मेलन रखा है, जो लगभग इस ब्लॉक में 61 ग्राम पंचायतें हैं, 36 ऊना विधानसभा क्षेत्र की और बाकी दूसरी विधानसभा क्षेत्र की कुटलैहड़ की, उन सब के पंच, सरपंच, उप प्रधान, बीडीसी, जिला परिषद मेंबर्स और वहां के सेक्रेटरी और जेई और एसडीओ, ऐसा जैसा जनमंच होता है उस दृष्टि से हम लोगों ने जो रखा है ताकि डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया जा सके। तो आज ये पंच परमेश्वर सम्मेलन पूरे हिमाचल में चले हुए हैं, मंत्री जी जहां पहुंच रहे हैं, तो पंच परमेश्वर में सम्मेलन के बाद और विकास में गति आएगी ऊना विधानसभा क्षेत्र के। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत ऊना विधानसभा क्षेत्र में मैं देख रहा था लगभग 5 करोड़ रुपया पिछले महीने प्रधानों के अकाउंट में पड़ा है,
अलग अलग ग्राम पंचायत की पॉपुलेशन के हिसाब से, वो पैसा ठीक लगे, विकास आगे बढ़े, पंचायत घर हमारे अच्छे बने, कम्युनिटी सेंटर अच्छे बने, और उसके साथ साथ पंचवटी पार्क हर गांव के अंदर जहां जगह है वो बने, उसमें हम लोग लगे हुए हैं, गांव भी सुंदर बने और गांव की भी एक अच्छी शहर की लुक आए, ऐसे काम में हम सब लोग लगे हैं। तो उसी दृष्टि से जो पंच परमेश्वर सम्मेलन आज आयोजित किया जा रहा है। सरदार जी, एक सपना जेपी नड्डा जी ने देखा था एम्स का, वो पूरा आ गया, लेकिन ऊना का सैटेलाइट पीजीआई सेंटर कब बनके तैयार होगा? पीजीआई सैटेलाइट हॉस्पिटल हिमाचल में आने वाले समय में बनके तैयार होगा। एम्स जो बनकर के तैयार हुआ है, 4 साल 69 दिन पहले उसका नींव पत्थर रखा गया था, लगभग 4 साल में उसकी मैक्सिमम बिल्डिंग तैयार हो गई है। कल ओपीडी का शुभारंभ हुआ, उसके लिए मैं नरेंद्र मोदी जी का और प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जगत प्रकाश नड्डा जी ने उस समय स्वयं स्वास्थ्य मंत्री होते हुए इसका नींव पत्थर नरेंद्र मोदी जी से रखवाया था। 1350 करोड़ रुपये का वो बनकर के तैयार हुआ है। अभी कुछ और फॉर्मेलिटीज वहाँ रहती हैं, मुझे लगता है कि जून 2022 तक फुल फ्लैश पूरी बिल्डिंग का उद्घाटन उसका होगा। कल ओपीडी का उद्घाटन हुआ है, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया जी, प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर जी, केंद्रीय हमारे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी और अनुराग ठाकुर जी जो हमारे सांसद एवं मंत्री हैं केंद्र में, ये समय पर लोग सांसद एवं मंत्री हैं केंद्र में ये समय पर लोकसभा से उनकी प्रेजेंस में जो सारा हुआ है, तो उनको मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जहाँ तक आपने ऊना पीजीआई सैटेलाइट हॉस्पिटल का कहा, मलाहत गांव में हम लोगों ने जगह दी है, काम चल रहा है। कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि जैसे कोई एक मकान बनाना है, मकान बनाने को भी 2-2, 4-4 साल लगते हैं, तो वो 500 करोड़ रुपये का पीजीआई सैटेलाइट हॉस्पिटल बनेगा, उसको भी 2-4 साल लगेंगे। काम चल रहा है और काम के साथ साथ हम लोग गति दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो भी जनता को समर्पित करेंगे। हमने ही उसका शिलान्यास किया और हम भी समर्पित करेंगे। और समय फिर से ऊना में केंद्रीय मंत्री आएंगे, 2024 के चुनाव से पहले पहले पीजीआई सैटेलाइट हॉस्पिटल बना करके ऊना की जनता को समर्पित करेंगे। और केंद्रीय मंत्री कोशिश करेंगे उस समय प्रधानमंत्री जी ऊना जिला के अंदर आए और मुख्यमंत्री जी अपना हो और उस समय पीजीआई सैटेलाइट हॉस्पिटल जनता को समर्पित करें।